वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से लेकर ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बेसिक सी चीज़ें दिखाने वाली हूँ जिनसे मैं अपनी जन्माष्टमी की तैयारी शुरू करती हूँ। तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें, बट बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि दीदी प्लीज़ जो भी कर रही हैं शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है कुछ चीज़ मिल रही है कुछ नहीं मिल रही है, तो आप शेयर ज़रूर करें। उसके पहले काइंड योर इन्फॉर्मेशन कि मैं आपको इतना बता दूँ कि मैं ना इस समय रिप्लाई थोड़ा सा नहीं कर पा रही हूँ। उसके बड़ा कारण यह है कि कल शाम को जो है मैं बैठी हुई थी और मेरे को अचानक से नशा चढ़ा कि अब मैं अपना मंदिर पेंट करूँगी। नहीं, एकदम दिमाग में सनक होती है, तो बस मेरे को अचानक से नशा चढ़ गया कि मंदिर पेंट करूँगी। एक पेंट का डिब्बा भी रखा था वाइट कलर का, इनफैक्ट मंदिर पहले से वाइट है, तो मैंने वही किया, उसको खोला और पेंट किया। जैसे ही मैंने फर्स्ट कोट किया मेरी आँखें अजीब सी रेड रेड होने लगी, तो मुझे लगा पता नहीं क्यों ऐसी कुछ हो रहा है। और जब तक सेकंड कोट हुआ मंदिर कंप्लीट हुआ, तब तक जो है मेरे सर में दर्द बढ़ गया। अब पता नहीं वो पेंट तो नहीं एक्सपायर था, मैंने चेक किया, बट उसकी स्मेल से ना बहुत मेरा सर में दर्द है। आज भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बट अभी मैं ठीक हूँ, इट्स ओके, अच्छा लग रहा है अभी, ठीक है। बट कल बहुत तबीयत ख़राब थी, कल इतनी तबीयत ख़राब थी उनको दवाई खानी पड़ी, फिर रात को 2-2:30 बजे जाके कहीं आराम मिला। तो अभी उस वजह से रिप्लाई नहीं हो पा रहा, क्योंकि बहुत कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो बहुत कभी रिप्लाई दे रही हूँ मैं, तो जैसी ठीक होती है वैसे सभी के कमेंट के रिप्लाई आएंगे। इंस्टा पर विशेष प्रॉब्लम चल रही है और कुछ नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, मैंने क्या तैयारी की वो मैं आपको दिखाऊँ। देखिए ये ना मैं आपको बाद में समझाती हूँ, पहले मैं आपको बेसिक सी चीज़ें समझाऊँ। ये देखें, ये मैंने एक अपने मंदिर के लिए कपड़ा तैयार किया, ये वाला। ये मेरा कपड़ा नहीं है, इनफैक्ट मैंने आपको बताया ना, एक मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड क्या वो मेरी आंटी की उम्र की है, बट उन्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं उन्हें आंटी बोलूँ, तो हम उन्हें फ्रेंड ही बोलते हैं। तो ये मैंने उनके मंदिर के लिए बनाया, और ये ना बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है ना कि उनका मंदिर बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा मंदिर है। तो ये कपड़ा आप सोचें डबल में है, और ये 3 मीटर के करीब मैंने सिला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये शुरू होता है, और ये मैंने गोल्ड कलर का कपड़ा लिया, येलो इसमें अस्तर लगा के, और ये ऐसे मैंने इसमें लेस लगाई। बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये फ़ोटो में बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये मैंने येलो कलर का बनाया, क्योंकि वो मशीन नहीं चला पाती हैं, ये कहीं उन्हें बुनाई आती बट उन्हें सिलाई नहीं आती, और वो पैरदान वाली मशीन चलाती ना उनके पेट में दर्द होता है। तो ये मैंने उनके लिए बनाया, क्योंकि उनका बड़ा था तो मैंने 3 तरफ लेस लगाई, फुल नहीं लगाई। ये मैंने अपने मंदिर के लिए बनाया, तो ये हम लोगों के मंदिर का, ठीक है, ये हमारे घर के मंदिर का है। तो इसमें भी मैंने चारों तरफ इस टाइप की लेस लगाई है, ये गोल्डन कलर की, और ये येलो और गोल्डन टच पे जो है वो कपड़ा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये इस प्रकार से मैंने तैयार किया, पीछे अस्तर लगाया, क्योंकि अस्तर लगाने से ना ये कपड़े वॉशेबल हो जाते हैं, आप इन्हें अच्छे से वॉश कर सकते हैं। ये मंदिर के लिए बनाया है, और ये मैंने लड्डू गोपाल जी की चौकी के लिए बनाया है। तो सबका कंप्लीट एक जैसा लगेगा, इस बार जब आप जन्माष्टमी पे देखेंगे ना, तो सबका सेट जो है वो एक जैसा लगेगा। तो अचानक से ना ये लेस कम पड़ गई, तो फिर मैंने दूसरी लेस का प्रयोग किया, तो ये एक मैंने बनाया चौकी के लिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये मैंने एक बनाया है, इसमें मैंने रेड कलर की लेस लगाई, थोड़ी सी ये बची थी तो मैंने यहाँ ऐड कर दी, बहुत ज़्यादा नहीं बची थी। तो एक लेस ये लगाई, एक रेड लगा दी, बीच में गोल्डन कपड़ा। ये ना मैंने लड्डू गोपाल के सिंहासन के लिए बनाया, जिसमें मोर पंखी लगी, आपको ने अगर याद हो तो, ये मैंने उसके लिए बनाया है। और इसके साथ साथ मैंने दो बनाए हैं मसलन के कबर, जो साइड में नहीं हम लोग बिस्तर पर लगाते हैं, इनफैक्ट ये लड्डू गोपाल के पूरा आसन ही समझ लीजिए आप। तो इस टाइप से बनाया है, अभी ना ये प्रेस नहीं हुआ है तो आपको लग रहा होगा, इसमें मैं कॉटन भर दूँगी या कोई कपड़े भर के इसे क्लीन करके। तो ये मसलन के दो कवर हैं, मैंने इनमें थ्रेड डाल दी है। और ये एक बनाया है मैंने उनके लिए कुशन, पीछे टिकने के लिए, तो क्योंकि कुशन बनाना मुझे आते हैं, मैंने अपनी एक फ्रेंड से सीखा था, उनको आते थे, अभी नहीं बहुत पहले की बात है, मतलब मेरी शादी से पहले मैंने उनसे सीखा था, तो उन्होंने मुझे सिखाया था। तो ये ना मैंने उनसे बनाना सीखा था। तो ये ट्रायंगल की शेप में मैंने एक कुशन बनाया है, तो लड्डू गोपाल जैसे कि ये बिस्तर लगा दूँगी, बगल में कुशन लगा दूँगी, और यहाँ पर जो है इसे लगा दूँगी। तो एक मैंने ये सिंहासन के लिए बनाया, एक छोटा सा कपड़ा और मैंने बनाया है ये, कि अगर लड्डू गोपाल झूले में बैठेंगे तो अगर मुझे उन्हें चौकी पर बिठाना होगा तो मैं उनके नीचे इसको बिछा दूंगी, और फिर बचा, क्योंकि कपड़ा बचा था तो मुझे लगा पूरा यूज़ ही कर देती हूँ, क्योंकि फिर छोटे छोटे कपड़े ना पड़े रहते हैं, मुझसे गुम हो जाते हैं, मैं गुम कर देती हूँ। तो ये मैंने इतनी तैयारी कर ली। ये लड्डू गोपाल का आसन, जो कि मज़ार में 200, 100, 125 इससे कम नहीं मिलता, ये मैंने पूरा कपड़ा जो है ना वो 7 मीटर लिया था, क्योंकि
कुछ तो जो हमारी फ्रेंड है उनके यहाँ जाना था तो उनके लिए, और ये सारा कपड़ा मैं एक साथ लाई थी। और इस कपड़े को पता क्या बोलते हैं, ये ना पूजा वाला कपड़ा होता है, ये आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा, बहुत सस्ता मिलता है। ये 40 to 50 रुपये मीटर आपको मिल जाता है, बहुत सस्ता पड़ता है। और ये लेस ना, ये वाली लेस 5 रुपये मीटर आई थी, और ये लेस मेरे पास घर में पड़ी थी तो मुझे एक्चुअल इसका रेट नहीं याद है, बट ये वाली गोल्डन वाली 5 रुपये मीटर आई थी। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते, कुछ नहीं करना है, कपड़ा काटना है, अस्तर लगाना है और लेस लगा लेनी है, सीधा सीधा सा है, कुछ ज़्यादा सिलाई नहीं है। अस्तर लगाने का तरीका मैंने राधा रानी की साड़ी में बताया है, तो आप उसे वॉच कर लीजिएगा। तो बस इस तरीके से मैंने जो है, इसमें मैंने रुई ना भर दी है, तो इसमें भरने की ज़रूरत नहीं, रुई कम पड़ गई मैं जाके फिर लेके आऊँगी या हस्बैंड को बोलूँगी, तो अभी तो हस्बैंड से कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही, उनका मुँह वैसे ही फूला हुआ है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हुई, तो वो नाराज़ हो रहे थे कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी पेंट करने की, बताती मैं कर देता। अब मैं बोर हो रही थी बैठे बैठे, तो मुझे लगा मैं ही कर देती हूँ, बस इसी वजह से ना नाटक हो गया। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये मैंने बनाया है मंदिर के लिए, मैंने मंदिर पेंट कर दिया है, मंदिर को एक मैं अलग ही टच देना चाह रही हूँ। तो ये ना देखिए, इसमें मैंने बहुत ही हल्की सी लेस लगाई, बट ये बहुत खूबसूरत लग रही है। आई होप आप लोगों को उतना अच्छी लग रही है जितनी मुझे लग रही है, भाई ये लगने पर समझ में आएगी। तो ये मैंने एक लेस लगाई, ये लेस ना मुझे 4 रुपये मीटर पड़ी है। ये कपड़ा लिया, ये कपड़ा 30 रुपये का मीटर आया था, और 1 मीटर लाई मैं, और ये मैंने ना इसमें नेफा बनाया, तो इसमें धागा डाल के और नारा डाल के मंदिर में लगाऊंगी, तो हल्की सी फ्लेयर आएगी जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगेगी। व्हाइट एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन है, तो बहुत ही प्यारा लगता है। और ये कपड़ा बहुत ही अच्छा होता है, वॉशेबल होता है, साफ़ हो जाता है, बहुत ही हल्का कपड़ा है, तो इसीलिए मैं इसे निकाल के जब वॉश करना होगा तो ना मैं इसे वॉश भी कर लूँगी। इसमें मैंने अस्तर नहीं लगाया क्योंकि अस्तर लगाने के बाद ना फिर ये बहुत हैवी हो जाती, तो हल्का सा बनाया है। तो ये छोटी सी तैयारी मैंने जन्माष्टमी की, इसे मैंने आज ही मतलब दोपहर में बनाया, और ये वीडियो ना शाम तक आपको मिलेगी। तो ये तैयारियां चल रही हैं बस ऐसी धीरे धीरे। अब मैं बाज़ार के बहुत ज़्यादा चक्कर में नहीं हूँ कि नहीं बाज़ार में हर चीज़ मिली जाए, और पता क्या है कि बाज़ार में नई चीज़ें नहीं मिल रही हैं, जो पुराना है वही बिक रहा है। अब जो मैंने पिछले साल देखा वो मेरा लेने का मन ही नहीं कर रहा है, तो कोई अगर एक आध सामान नया दिख जाता है तो उसे ले लेती हूँ, जो नहीं दिखता है उसे धीरे धीरे मैं खुद ही घर में तैयार करी। जैसे इस बार मैंने ये सब घर में तैयार किया, नहीं तो मैं ख़रीद लेती थी बाज़ार से। और एक फ्रेंड मैं फ्रेंड और बताऊँ, ये कपड़े से घर में बनाने में ज़्यादा सस्ता पड़ता है, बाज़ार से मैं ये सारा कपड़ा टोटल मिला के 1000-1200 रुपये का लाती थी। मतलब उनका जो मैंने बताया फ्रेंड है मेरी, उनका और मैं अपना सारा मिला के लाती थी, और उनका तो मिल भी नहीं पाता था, 2 कपड़े लेके 20 से सिलाई लगानी पड़ती थी। तो इस बार वो बहुत खुश हैं, अभी आएंगे ना शाम को तो मैं उनको दे दूंगी। तो कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। ये छोटी छोटी तैयारियाँ हैं जो आपके मंदिर के लुक को चेंज कर देंगी, और आपके जो एक फोटो सेशन होगा जो जन्माष्टमी का, उसको एकदम चेंज कर देंगे, हर जगह एक जैसी चीज़ें लगेंगी, तो बहुत अच्छा लगता है। और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और इन सब चीज़ों की बधाई दिखाने की ज़रूरत ये थी कि मैं इन सब की फ़ोटो इंस्टा पर डाल देती हूँ, फिर लोग कहते हैं दीदी ये क्या है क्या है, ये बताइए क्या है। तो मैं एक छोटा सा शेयर कर देती हूँ कि मैं इसकी तैयारी करने वाली हूँ, क्योंकि फिर बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि आप झूठ बोलती हैं, बाजार से खरीद खरीद के लाती हैं, बताती हैं मैंने बनाया मैंने बनाया, तो मैंने खुद ही बना लेती हूँ, इतनी सिलाई आती है मुझे, मेरे पास मशीन भी है, मैं इतना कर लेती हूँ घर में। तो फ्रेंड्स अगर ये अच्छा लगा हो आपको तो आप भी घर में बना सकते हैं अपने लड्डू गोपाल के लिए। बिस्तर तो खुद से बना ही सकते हैं ये रेड वाला, तो इसमें तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, बस ऐसे इसमें हम रुई भर देंगे, उसके बाद ये बढ़िया फूल जाएगा और हम लोग इसे ऐसे बांध देंगे। अभी नहीं समझ में आएगा, जब भर जाएगा ना तब आपको समझ में आएगा। तो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मुझे बताएं कि आप और क्या देखना चाहते हैं। तो जन्माष्टमी की मेरी तैयारी अब शुरू हो गई है, और धीरे धीरे आगे मैं चालू रखूँगी, अब थोड़ा सा तबीयत मेरी सही हो जाए ना तो मैं चालू रखूंगी, क्योंकि अब स्थिति है ना कि हस्बैंड जब घर में रहते हैं तो कुछ काम कर नहीं पा रहे, नहीं तो उनकी आंखें निकलने लगती, गुस्सा हो जाते हैं, वो नाराज हो जाते हैं। तो थोड़ा सा अब ये है कि अब तो थोड़ा धीरे धीरे करना पड़ रहा है, क्योंकि अचानक से ऐसे मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैं खुद ही डर गई। कल ना मैं बहुत रोई बैठ के, मेरा इतना सर में दर्द था, बहुत देर तक रोती रही, फिर जाके मेरा दवाई ववाई खाई तो ठीक हुआ, तो अब आराम है, अब ठीक हूँ मैं, अब बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा सा हल्का सा लग रहा है चक्कर जैसा, वैसे सब ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर ये पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ख़ुद भी बनाएं, जो लोग बनाएंगे वो मुझे शेयर ज़रूर करिएगा कि मैंने बनाया है, फोटो दिखाइएगा, मेरे को अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।